नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के अंदर तरंगे पाई जाती हैं और ये तरंगे हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तरंगे हमारे जीवन पर गहरा असर पैदा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तरंगों को सोखती भी हैं और तरंगों को लंबे समय तक बनाए भी रखती हैं, इसलिए उनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनमें से एक चीज़ है कांच, यानी कि ग्लास। क्या है कांच का पूरा मामला और कांच के साथ आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कांच का ग्रहों के साथ आखिर क्या कनेक्शन है। बात करेंगे कि कांच का प्रयोग करने में किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए और कांच का ऐसा प्रयोग तो आप नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ग्लास यानी कि कांच एक बहुत अहम चीज है। इसका ज्यादा इस्तेमाल करना किस तरह से मुश्किल बढ़ाएगा या इसका सही इस्तेमाल करना किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से क्या संबंध है। देखिए, कांच जो है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। अगर हम प्लेन ग्लास की बात करें, सफेद शीशे की बात करें, सफेद कांच की बात करें, तो इसका संबंध पूरी तौर से शुक्र के साथ है। लेकिन जो कांच के अलग अलग रंग होते हैं वो इसको अलग अलग ग्रहों से भी जोड़ते हैं। जैसे लाल रंग का कांच होगा तो वो मंगल होगा, पीले रंग का कांच होगा तो वो बृहस्पति होगा। बेसिकली तो कांच होता है शुक्र का, लेकिन अगर वो कलर्ड कांच है, रंगीन कांच है, तो अलग अलग ग्रह भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अंदर के रंग इसके प्रभाव में अंतर पैदा करते हैं। कांच के जो अलग अलग रंग हैं वो रंग इसके इफेक्ट को बदल देते हैं। कांच के अलग अलग रंग की बोतल में पानी पीने का भी अलग अलग प्रभाव होता है। आपको लगता होगा ऐसा कैसे होता है, लेकिन बिल्कुल होता है। रंगों का ऐसा असर होता है कि जब सूर्य की किरणों के साथ कांच और उसके रंग का संपर्क होता है तो वो एक विशेष तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होता है, जितना ट्रांसपेरेंट होता है, जितना सफेद होता है, उतना ही ज्यादा शुक्र के निकट होता है। यानी शुक्र वाला जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो सफेद होगा और शुक्र के उतना ही ज्यादा निकट होगा। कांच की वस्तुओं का जब आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा असर शुक्र के ऊपर पड़ता है। आप कांच की टेबल का इस्तेमाल करते हैं, कांच के गिलास में पानी पीते हैं, या आजकल कांच के प्लेट भी आते हैं, उसी में खाना खाते हैं। तो जैसे जैसे कांच का प्रयोग आप अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इसका सीधा असर आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ने लगता है। शुक्र वहां पर प्रभावशाली हो जाता है, शुक्र वहां पर इफेक्टिव हो जाता है।